नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गारंटी योजनाओं की जिला कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। 17 अगस्त को दोपहर 3 से 5 बजे तक जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय में आयोजित किया गया। राज्यपाल द्वारा अभियोजन की मंजूरी दिए जाने पर भी सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा नहीं देंगे, कर्नाटका के मंत्री परमेश्वर। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि पीएसआई भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। पंपा सागर बांध के 19वें शिखर द्वार की मरम्मत पर इंजीनियर काम कर रहे हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने आज बीदर जिला पंचायत कार्यालय परिसर में गारंटी योजनाओं की जिला कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगरसभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने सभी को बधाई दी। इस मौके पर मंत्रियों का सम्मान किया गया। गारंटी योजनाओं की जिला कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोट, पूजा जॉर्ज, महमूद खान दुर्रानी, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एसपी प्रदीप गुंटी सहित अन्य नेता और अधिकारी उपस्थित रहे। वन जीव विज्ञान एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे कल शनिवार को बीदर शहर में जनता की शिकायतें सुनेंगे। वे शनिवार 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के अम्बेडकर सर्किल के पास अपने कार्यालय में जनता की शिकायतें सुनेंगे और मौके पर मौजूद अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश देंगे। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि बीदर जिले की जनता को इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने आज बीदर के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी से बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में मुलाकात की और कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की। बीदर में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। पिछले 2-3 दिनों से दोपहर के समय में जोरदार बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें कुछ देरी के लिए जलमग्न हो रही हैं, जिसे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूल के बच्चों को स्कूल छूटने के बाद घर भीगते हुए जाना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में जिले भर में 9.83 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रुकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। आज के इस कॉम्पिटेटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU अफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739 double 5
5023 9986 291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036। और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज, एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 83101085 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलेटेड टू CBSE, कॉन्टैक्ट नंबर 9742089699455571908805027455। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बूढ़ा घोटाला मामले में सीएम सिद्धरामैया का बचाव करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि सीएम को अपने पद से इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही राज्यपाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दे। महात्मा गांधी स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। परमेश्वर ने दावा किया, यदि राज्यपाल सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे देते हैं तो भी उन्हें नैतिक आधार पर भी अपने पद से इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ दायर याचिका झूठी है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ता कार्यकर्ता TJ अब्राहम के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया, जिन्होंने अतीत में कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्यपाल ने सीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले याचिका और याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि की पुष्टि की है। उन्होंने दोहराया कि अगर राज्यपाल मंजूरी जारी करते हैं तो पार्टी अदालत में मामला लड़ेगी और मामले को लोगों की अदालत में भी ले जाएगी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि 545 पुलिस उपनिरीक्षकों PSI की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इस माह के अंत तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान अनियमितताओं के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। गृह मंत्री ने कहा, अन्य 400 PSI की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई है और परिणाम की प्रतीक्षा है। अन्य 600 PSI की भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू होनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से 20,000 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। कोप्पल में तुंगभद्रा नदी पर बने पंपा सागर बांध का नया शिखर द्वार लगाने के लिए इंजीनियर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 11 अगस्त को मौजूदा द्वार बह गया था। जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि क्रेस्ट गेट को बदलने का काम बुधवार रात से शुरू हो गया है और इसमें कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने बांध के 19वें गेट को ठीक करने के लिए हैदराबाद से हाइड्रो मैकेनिकल इंजीनियर N कन्हैया नायडू को बुलाया है। एक अधिकारी ने बताया कि नायडू पिछले 3 दिनों से कोप्पल में डेरा डाले हुए हैं, नया गेट लगाने के प्रयास जारी हैं। पत्रकारों से बात करते हुए नायडू ने कहा कि आम तौर पर बांध के शिखर द्वार की आयु लगभग 40 वर्ष होती है, लेकिन जो द्वार बह गया वह औसत से 30 वर्ष अधिक चला। रविवार देर रात गेट टूटने के बाद बांध को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए सभी बांधों के गेट खोल दिए गए और पानी छोड़ दिया गया। इस अभ्यास में बांध पर दबाव को कम करने और यथाशीघ्र मरम्मत कार्य करने के लिए मौजूदा जलधारण क्षमता 105 TMC को घटाकर 65 TMC करना शामिल था। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के निचले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर कन्नड़ जिला प्रशासन ने आखिरकार गुरुवार को ट्रक को बाहर निकाल लिया जो 7 अगस्त को 42 साल पुराने पुल के ढहने के बाद कारवार के बाहरी इलाके में काली नदी में गिर गया था। ट्रक गोवा से तमिलनाडु जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। 14 अगस्त को ट्रक को नदी से निकालने की तैयारी की जा रही थी लेकिन इसमें एक दिन की देरी हो गई। हालांकि गुरुवार सुबह जब आईआरबी और जिला प्रशासन ने इसे बाहर निकालने का फैसला किया तब प्रयास फिर से शुरू हो गए। इस ऑपरेशन के लिए येल्लापुर की एक कंपनी की क्रेन को लगाया गया था। स्थानीय सिद्धि युवक सानिया और ईश्वर मालपेट तथा उनकी टीम ने पानी में गोता लगाकर ट्रक को रस्सी से बांधा। गोताखोरों और एनडीआरएफ जिला प्रशासन तथा पुलिस ने 9 घंटे के अभियान के बाद ट्रक को बाहर निकाला। 5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को 100 मीटर ऊपर खींच लिया गया। अपनी सरकार की 5 गारंटी योजनाओं को जारी रखने पर चिंताओं को दूर करने के प्रयास में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को दोहराया कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में उन्हें बिना किसी देरी के जारी रखा जाएगा। यहां मानेकशॉ परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने धन आवंटन में असमानता को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर परोक्ष हमला किया। सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी योजनाओं ने उन लोगों को राहत पहुंचाई है जो बढ़ती आय असमानता के कारण पीड़ित हैं। एक तरफ हमारी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से धन के पुनर्वितरण को बढ़ावा दे रही है, दूसरी ओर हमने समान प्रतिबद्धता के साथ राज्य के सतत आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 गारंटी योजनाओं के माध्यम से लगभग 5,000 रूपए प्रतिमाह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने शुक्रवार को कहा कि रेणुका स्वामी हत्या मामले के संबंध में अंतिम रिपोर्ट पुलिस द्वारा शेष फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द से जल्द अदालत में पेश की जाएगी। इस मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और अन्य आरोपी हैं। इस मामले में दर्शन और उनके मित्र कवित्रा गौड़ा सहित कुल 17 लोग वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। दयानंद ने कहा कि रेणुका स्वामी हत्या मामले में जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। कई मौखिक, परिस्थिति जन्य और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। एकत्र किए गए साक्ष्यों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बेंगलुरु और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैदराबाद स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। संबंधित एफएसएल अधिकारियों ने हमें बताया है कि जल्द ही और रिपोर्ट भेजी जाएंगी। रिपोर्ट मिलने पर आगे की जांच के तहत यदि आवश्यक हुआ तो कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे। उसके बाद जल्द से जल्द हम अदालत को अंतिम रिपोर्ट सौंप देंगे। मैसूर सिटी क्राइम ब्यूरो यूनिट के हेड कांस्टेबल जिन्हें इस साल जुलाई में निलंबित कर दिया गया था उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2023 के लिए मुख्यमंत्री पदक मिला है। हेड कांस्टेबल सलीम पाशा पर ड्रग्स और चोरी के मामले में शामिल आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से संपर्क रखने का आरोप था, इसलिए डीसीपी क्राइम और ट्रैफिक एस जानवी ने 12 जुलाई को उसे सस्पेंड कर दिया। उन पर लगे आरोपों की जांच अभी भी लंबित है। हालांकि अब जारी हुई मुख्यमंत्री पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गारंटी योजनाओं की जिला कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। 17 अगस्त को दोपहर 3 से 5 बजे तक जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय में आयोजित किया गया। राज्यपाल द्वारा अभियोजन की मंजूरी दिए जाने पर भी सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा नहीं देंगे, कर्नाटका के मंत्री परमेश्वर। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि पीएसआई भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
पंपा सागर बांध के 19वें शिखर द्वार की मरम्मत पर इंजीनियर काम कर रहे हैं। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।